जय माता दी। दोस्तों और सब कैसे हैं? आई होप सब बढ़िया होंगे, हम सब भी बढ़िया हैं। और दोस्तों आज मैं कोई रेसिपी की वीडियो नहीं डालूंगी, और मेरे सूट के साथ जो दुपट्टा आया था एकदम बेकार था, तो मैं उसकी वीडियो डालूंगी कि उसको किस तरीके से हैवी और उसमें कैसे वो लगाई है मैंने लेस, तो इसी तरीके से आप भी कर सकते हैं। और मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें जो नए हैं भैया दीदी, और जो बड़े बूढ़े हैं वो भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जो मेरे माता पिता समान हैं। और दोस्तों चलिएगा इस वीडियो को फुल वॉच करना, और बीच में स्टेप मत करना, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। बस मैं इतना ही कहूँगी, और इच्छा आपकी है कि आप कैसे सपोर्ट करते हैं मुझे। तो दोस्तों चलिएगा। देखिए दोस्तों, सूट तो हैवी था जब मैंने ख़रीदा, लेकिन इसमें दुपट्टा इतना गंदा दे दिया था पता नहीं कैसे। और ये सूट बहुत अच्छा था, और देखने में वीडियो में ये हैवी नहीं लग रहा, लेकिन वाकई में ये बहुत हैवी सूट था। इस तरीके का सूट मिला है मुझे जो मैंने ख़रीदा है, लेकिन दुपट्टा चारों तरफ उधरा हुआ मिला है, आप उसको डाल के कहीं भी नहीं जा सकते। दुपट्टा ये वाला मिला है मुझे इसके साथ, तो इसकी किनारी देखिएगा किस तरीके से फटी टाइप की है, ये देखिएगा चारों तरफ इसी तरीके की किनारी है, और ये हल्का भी है। तो ये मैं देखिएगा इसको किस तरीके से इसको हैवी करती। देखिए दोस्तों, चारों तरफ ऐसा ही दुपट्टा मिला है मुझे, तो मार्केट में ऐसी लेस आती है और थोड़ी सी लंबाई में, तो मैं इसको लगाऊंगी और इसको हैवी करूंगी। तो ये 50 से 40 रुपए 60 रुपए मीटर आ जाती है, और मैंने ये 50 रुपये मीटर खरीदी है। दोस्तों थोक वाली दुकान पर थोड़ी सस्ती आ जाएगी। मैं चारों तरफ इसके किस तरीके से लेस लगाऊंगी वो मैं आपको दिखाऊंगी। और ये मैंने इसके नाप की ले ली है, आप इसको साड़ी में भी लगा सकते हैं, साड़ी को भी डेकोरेट कर सकते हैं। दोस्तों चलिएगा, मैं इसको दिखाती हूँ किस तरीके से लगाना है इसको। और सूट तो मैं अपने आप ही सिलती हूँ, अगर ये वीडियो देखनी हो सूट वगैरह की तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। दोस्तों थोड़ी ज़्यादा ही ले लें। अब देखिए दोस्तों, ये जो है दुपट्टा, इसके जो वाइट कलर के इसमें धागा जितने भी खींच रहे हों उनको खींच लें, और थोड़ा सा सही सा कर लें। जो चुन्नट टाइप की बनी रहती है उसको हटा लें, मैंने हटा लिया। देखिएगा ये धागा कितनी चुन्नट डाल रहा था, तो ये इसको मैं हटा दूँगी। और इसके हटाने के बाद में अब इसको एक जैसा कर लूँगी, और मैं आपको दिखाती हूँ किस तरीके से। दोस्तों इसको सीधा ही रखें दुपट्टे को, दुपट्टा साड़ी जो भी लेस लगा रहे हो आप सीधा ही रखेंगे तो लुक बहुत अच्छा आएगा उसका। और देखिएगा मैंने दुपट्टा सीधा रखा है और लेस को उल्टा कर दिया है, और जिधर नीचे की साइड पे मैंने खाली वाली जगह कर दी है जो लटकन है, वो दुपट्टा साइड पे कर दिया है। देख लीजिए एक बार अब कि मैं किस तरीके से सूट दुपट्टा सॉरी सीधा है और लेस को उल्टा कर दिया है, और मैंने इस तरीके का इस पर ये रख लिया है, और मैं इस तरीके से इस पर लगा रही हूँ। दोस्तों इस तरीके थोड़ा खींच के लगाना पड़ेगा, क्योंकि ये थोड़ा सा पिंक है, और कोने पे किस तरीके से लगाना है 1 इंच हम छोड़ देंगे तब लगाएंगे, पकड़ के ही लगाना पड़ेगा दोस्तों। तो इस तरीके से हम कोने पे, और यहाँ सुई फंसी रहने देंगे। ये कोना आराम से बन जाएगा, आप साड़ी पे भी जब लेस लगाएं तो इसी तरीके से लगा लें, आराम से कोने बन के निकल के आते हैं इस तरीके से। और मैं इधर भी 1 इंच छोड़ दूंगी,
आधा आधा एक एक इंच जैसा मार्जिन रखे, साइड में रख के चले। दोस्तों इस तरीके से देखिएगा, ये मैं लेस लगा ले रही हूँ, एक साइड हो गई है। देखिएगा कोना, अब देखो आ गया कोना निकल के अच्छे से। दोस्तों देखिएगा इसी तरीके से आप इसको हैवी कर सकते हैं। तो मैं इसको कोने पे लगा के दिखाती हूँ। दोस्तों देखिएगा चारों तरफ ये लग गई है। अब हम इसको फाइनल टच देंगे इसको, कि अब देखिएगा अब सीधा, अब हम फिर से सीधा दुपट्टा रखेंगे और झटक के इसको इस तरीके से कर देंगे, तो ये आराम से हो जाएगी। वीडियो को स्किप करके ना देखें, क्या होता है उसमें जो मैं बताती हूँ और जो हम सिलाई कर रहे हैं वो कर रहे हैं, वो बीच में मिस हो जाएगा। देखिएगा हम इस पर ऊपर से एक और सिलाई लगा लेंगे और ये लेस चाहे तो दिखाना चाहो दिखा सकते हैं, गोल्डन कलर की जो है, और ना चाहो तो अंदर भी इसको थोड़ा सा और फोल्ड कर दे, ऊपर से चुन ले ले। देखिएगा ये कोने पे आ गए हैं और देखिए कितने अच्छे से, ये कहीं भी कुछ प्रॉब्लम नहीं आ रही है, आराम से देखो कोने पे भी अच्छे से हो रहा है, मशीन चल रही है। और इस तरीके से हम कोने पे रेडी कर लेंगे ये, इस तरीके से हम मशीन चला लेंगे इन पे। दोस्तों ये देखिएगा चारों तरफ सिलाई चला ली है, इतना बचा है। और ये वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। दोस्तों देखिएगा मेरी सिलाई कंप्लीट कर ले रही हूँ और इसको मैं मशीन को रोकूंगी नहीं, उधर उतार दूंगी तो ज़्यादा सही से हो जाएगा वो। देखिएगा देखिए दोस्तों ये है, इस तरीके का लग रहा है मेरा दुपट्टा। आप किसी के साथ भी डाल सकते हैं आप इसको, देखिएगा। और ये अब अच्छा लग रहा है, आपने देखा होगा दोस्तों इस तरीके का आप दुपट्टा शादी वगैरह में भी कैरी कर सकते हैं। तो ये था मेरा दुपट्टा। दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों ये था मेरा छोटा सा वीडियो, और इसको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना। ये दुपट्टा मेरा, और इसका सूट सिला नहीं है मैंने अभी, सूट सिल के फुल दिखाऊंगी क्योंकि सूट भी सिल लेती हूँ, तो मैं सूट सिल के दिखाऊंगी, अभी दुपट्टा ही दिखाया है। तो दुपट्टा ज़रूर देखना, और अपना ऐसे ही जो मेरी दीदी वगैरह हैं इस तरीके से सिंपल दुपट्टे को हैवी लुक दे सकती हैं। तो चलिए गा, जय माता दीदी।